वेलकम टू रेसिपीज फ्रॉम दिल से. हम बनाएंगे आज दही की लस्सी विद रबड़ी. जी हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि गाढ़ी गाढ़ी कैसे लस्सी बनने वाली है. और साथ में मैंने यहाँ पर टॉपिंग की है रबड़ी की और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स की. तो गाढ़ी गाढ़ी दही की लस्सी होगी और उसके ऊपर टॉपिंग होगी रबड़ी की. ये फ्लेवर जो है वो एकदम बेस्ट है. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई नहीं किया होगा, तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए. ये बहुत अच्छा टेस्ट बनकर आता है दही की लस्सी के साथ रबड़ी का. तो चलिए बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक बोल में दही. और ध्यान रहे, दही जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा इस्तेमाल करें लस्सी बनाने के लिए हमेशा. तो दही लेने के बाद हम इसको स्मूथ कर लेते हैं. चाहे तो आप बीटर से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं, या इस तरीके से रई या मथनी भी कहते हैं इसे, इस तरीके से आप इसे भी स्मूथ कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप मिक्सी में इसको बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उससे झाग बन जाएंगे और वो हमें नहीं चाहिए. यानी कि फ्रोदी हो जाएगी आपकी लस्सी, वो हमें नहीं चाहिए. हमें सिर्फ स्मूथ लस्सी चाहिए. तो इस तरीके से इसको बीट करने के बाद हम इसके अंदर मिक्स करेंगे दूध. और दूध में क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है हमारी लस्सी, तो जो लस्सी बनकर आएगी वो ना तो बहुत ज़्यादा पतली होगी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी. अगर आपको गाढ़ी लस्सी चाहिए तो आप इसके अंदर ये दूध ऐड ना करें. और आप दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट दूध जो है, दूध डालने से क्या होगा, अगर आपका दही थोड़ा सा खट्टा भी है तो वो बैलेंस हो जाएगा दूध डालने से. अब इसके बाद दूध मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं ये शुगर. यहाँ मैंने ये पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मिक्स करने में ईजी रहती है. और साथ में हम इसके अंदर डाल देते हैं ये इलायची का पाउडर. जी हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी का पाउडर डालते हैं तो वो ईजिली बीट हो जाता है और आसानी से मिक्स हो जाता है और जल्दी फटाफट से भी बन जाती है. तो उसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं क्रश किए हुए ये आइस क्यूब्स. इसको भी कर लेते हैं मिक्स. और अब हम इस लस्सी को रख देते हैं फ्रिज में आधे घंटे के लिए. इसको चिल होने देते हैं, क्योंकि हमेशा लस्सी जो है वो एकदम चिल जब हो जाती है उसके बाद ही अच्छी लगती है. तो ये हो चुकी है अब चिल. और अब ले लेते हैं, अब चाहे ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं या कुल्हड़ में भी सर्व कर सकते हैं, कुल्हड़ इज़ बेस्ट. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुल्हड़ और इसके अंदर कर लेते हैं लस्सी. अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे रबड़ी के साथ. आप चाहे तो घर में भी रबड़ी बना सकते हैं. ईजी सा मेथड है कि आप दूध लीजिए आधा किलो, उसको पकने दीजिए जब तक गाढ़ा ना हो जाए रबड़ी की तरह, तब तक आप उसे पकाइए, गैस बंद कीजिए, उसके अंदर चीनी मिलाइए, चीनी मिक्स हो जाए, उसे ठंडा होने रख दें और फिर बन गई रबड़ी. और उस रबड़ी को आप इसके टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए. साथ में इसके ऊपर डालिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो. या मैंने काजू बादाम और पिस्ते यूज़ किए हैं. और इसको अगर आप और चिल करना चाहते हैं तो इसको रख दीजिए फ्रिज में और फिर आप इसको पीजिए. लीजिए, तैयार हो गई हमारी बढ़िया सी लस्सी विद रबड़ी के साथ. अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे टिप्स. लस्सी के लिए हमेशा गाढ़ा दही का इस्तेमाल करें और चीनी की जगह आप शहद या शुगर फ्री भी डाल सकते हैं. और आप इसके अंदर रोज़ वाटर की कुछ बूंदें डाल के इसे फ्लेवरफुल भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.